साइंस का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो पहले दो पीरियड में मैंने आपको ये चैप्टर के ताल्लुक से बताया था कि इसमें कौन कौन से टर्म्स इसमें शामिल हैं और उनके क्या क्या मतलब हैं। तो ये चैप्टर मुकम्मल होने के बाद अब हम इसके सवाल के जवाब करेंगे। जो भी इसमें एक्टिविटी होगी, खाली जगह, सही गलत, जोड़ियाँ, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो साइंस का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मस्क, पहला सवाल है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फफूंद, काई, गैर वाजे मरकजा बरदार, वाजे मरकजा बरदार, खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी विटेकर तरीके से कीजिए। तो विटेकर की जमातबंदी वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि विटेकर ने जानदारों को पांच ग्रुप में तकसीम किया था और उन पांच ग्रुप को अलग अलग नाम दिए गए थे। आलम मुनेरा, आलम प्रोटिस्टा, आलम फफूंद, आलम नबातात, आलम हैवानात, ऐसे पांच ग्रुप थे। तो आपको पहचानना होगा कि बैक्टीरिया ये कौन से आलम में शामिल है। तो उसने गैर वाजे मरकजा बरदार और आलम मुनेरा में बैक्टीरिया और नीली सब्ज काई को उसने वहां पर रखा था। तो ये उसके जवाब हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आलम मोनेरा में शामिल थे, प्रोटोजोआ आलम प्रोटिस्टा, काई दो तरह की होती है, अगर वो यकखल्वी है तो आलम प्रोटिस्टा में शामिल होगी, अगर कसीर खल्वी है तो आलम नबातात में। उसके बाद गैर वाजे मरकजा बरदार, वो आलम मोनेरा में शामिल किया गया था। वाजे मरकजा बरदार, उसको आलम मुनेरा के अलावा जितने भी और चार आलम हैं उन वो सब आलम में वाजे मरकजा बरदार जानदार शामिल हैं। फिर उसके बाद खुर्दबीनी जानदार, खुर्दबीनी जानदार आलम मुनेरा या आलम प्रोटिस्टा, जो जानदार गैर वाजे मरकजा बरदार हैं उनको आलम मुनेरा में रखा गया और जो वाजे मरकजा बरदार हैं उनको आलम प्रोटिस्टा में रखा गया। तो खुर्दबीनी जानदारों को दो आलम, आलम मुनेरा या फिर आलम प्रोटिस्टा, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल, जानदार गैर वाजे मरकजा बरदार, वाजे मरकजा बरदार, कसीर खलवी, यक खलवी, प्रोटिस्टा, हैवानात, नबातात, फफूंद की मदद से पांच इकलीमी निजाम दर्जा बंदी मुकम्मल कीजिए। तो ये चार्ट है, ये चार्ट को आपको मुकम्मल करना है। जानदार को विटेकर ने दो ग्रुप में तकसीम किया था, गैर वाजे मरकजा बरदार और वाजे मरकजा बरदार, गैर वाजे मरकजा बरदार में यक खलवी जानदार को उसने आलम मुनेरा नाम दिया था, यहाँ पर आलम मुनेरा आएगा। फिर वाजे मरकजा बरदार में यक खलवी और कसीर खलवी, यहाँ पर कसीर खलवी आएगा। यक खलवी को उसने आलम प्रोटिस्टा नाम दिया था, यहाँ पर आलम प्रोटिस्टा आएगा। कसीर खलवी को तीन हिस्सों में तकसीम किया था, आलम फपून, आलम नबातात, आलम हैवानात। तो ये चार्ट को मैंने यहाँ पर मुकम्मल किया है। इस चार्ट की मदद से आप सवाल का जवाब लिख सकते हैं। तो ये उसका जवाब है सवाल नंबर दो का। अब सवाल नंबर तीन हम लोग देखते हैं। मेरा साथी तलाश कीजिए, मेरा साथी तलाश कीजिए, मतलब यहाँ पर आपको जोड़ियाँ लगाना होगी। तो दो ग्रुप यहाँ पर दिए गए हैं, ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे। तो ग्रुप अलिफ की जोड़ी ग्रुप बे के साथ आपको लगानी है। सबसे पहला फपून, फपून की मिसाल यहाँ पर आपको देखनी होगी। तो फपून की जोड़ी आएगी कैंडिडा के साथ। फिर उसके बाद प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ की जोड़ी, आलम प्रोटिस्टा में कौन कौन से जानदार शामिल थे, अमीबा शामिल था, तो यहाँ पर प्रोटोजोआ की जोड़ी अमीबा के साथ आएगी। उसके बाद वायरस, वायरस का दूसरा नाम बैक्टेरियोफास है या बैक्टेरियोफेज, वायरस की जोड़ी बैक्टेरियोफेज के साथ आएगी। काई, काई की मिसाल क्लोरेला है, तो काई की जोड़ी क्लोरेला के साथ आएगी। उसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जोड़ी गैर वाजे मरकजा बरदार के साथ आएगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखा कि जोड़ियाँ लगा सकते हैं। सवाल नंबर तीन के बाद सवाल नंबर चार हम लोग देखते हैं। दिए हुए बयानात सही हैं या गलत, शनाख्त करके उनकी वजाहत कीजिए। मतलब एक एक यहाँ पर बयान दिया जाएगा, आपको पहचानना है कि वो बयान सही है या फिर गलत। तो
पहला बयान है लैक्टोबेसिलाई एक नुकसानदार बैक्टीरिया है। लैक्टोबेसिलाई वो बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनने में मदद करता है, तो ये मतलब फायदेमंद बैक्टीरिया है, हम दही का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बयान गलत है। उसके बाद दूसरा बयान है फफून की खलवी दीवार काइटिन से बनी होती है। तो मैंने बताया था कि फफून की खलवी दीवार काइटिन नामी निशास्ते से बनी होती है। निशास्ता मतलब स्टार्च, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये बयान सही है कि फफून की खलवी दीवार काइटिन से बनी होती है। उसके बाद जीन हम लोग देखते हैं, अमीबा काजब पैर की मदद से हरकत करता है। तो मैंने जब पढ़ाया था पहले लेक्चर में, तो लेक्चर में मैंने बताया, वहाँ पर शक्ल भी आपको दिखाई थी कि किस तरह के से अमीबा हरकत कर रहा था, वहाँ पर मैंने मूविंग इमेज आपको दिखाई थी। तो काजब पैर, जिसको हम इंग्लिश में सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फूड भी कहते हैं, कि अमीबा काजब पैर की मदद से हरकत करता है, तो ये बयान भी सही है। उसके बाद दाल पेचिस प्लाज्मोडियम के जरिए लाहक होता है। पेचिस, ये बयान गलत है, पेचिस प्लाज्मोडियम के जरिए लाहक नहीं होता। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं टोमेटो विल्ट बैक्टीरिया से लाहक होने वाला मर्ज है, ये बयान गलत है, टोमेटो विल्ट बैक्टीरिया से लाहक नहीं होता। तो ये सही गलत है, इस तरीके से सही गलत हम लोग कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है जवाब लिखिए, तो सवालात होंगे, सवालात के जवाबात आपको लिखना है। तो सबसे पहला सवाल है अलिफ विटेकर जमातबंदी के तरीके के फायदे लिखिए। तो विटेकर ने जो जमातबंदी किया था उसके क्या क्या फायदे हैं वो आपको लिखना है। चैप्टर में जब मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, तो वहाँ पर आपने देखा था कि विटेकर से पहले भी 4 साइंसदान आए थे, उन साइंसदानों ने, 4 साइंसदानों ने जमातबंदी की थी, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ खामियां थी जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट किया गया। तो विटेकर को क्यों एक्सेप्ट किया गया, तो उसके फायदे यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो पहला पॉइंट है, 4 पॉइंट है यहाँ पर, 2 नंबर के लिए सवाल पूछा जाएगा, तो 4 पॉइंट आपको लिखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट है विटेकर की जमातबंदी का निज़ाम साइंसी बुनियादों पर मबनी है, मतलब उसने साइंसी तरीकों का इस्तेमाल किया जमातबंदी करने के लिए। गैर वाजह मरकज़ा बरदार जानदारों को अलैदा आलम में रखा गया है, मतलब उसने 2 हिस्सों में खलिये को तकसीम किया था, गैर वाजह मरकज़ा बरदार और वाजह मरकज़ा बरदार। गैर वाजह मरकज़ा बरदार के लिए उसने अलग आलम बनाया था जिसे उसने नाम आलम मुनेरा दिया था। उसके बाद तमाम यक खलवी वाजह मरकज़ा बरदार जानदारों को आलम प्रोटिस्टा में रखा गया था। फिर उसके बाद वाजह मरकज़ा बरदार में जो जानदार आए थे उन जानदारों को उसने 2 हिस्सों में तकसीम किया था, यक खलवी, कसीर खलवी और मरकज़ा बरदार, गैर वाजह मरकज़ा बरदार। जो वाजह मरकज़ा बरदार थे उनको आलम प्रोटिस्टा में रखा गया था। उसके बाद चौथा पॉइंट, फफून गंदखोर होते हैं, उन्हें अलहदा आलम में रखा गया। फफूंद आप लोग देखते हैं आमतौर पर बारिश के मौसम में पेड़ के आसपास में छतरी जैसी शक्ल बन जाती है, तो वो भी एक फफूंद की किस्म है। या आप लोग ब्रेड या खाने की चीज 4-5 दिन रख देते हैं तो उसके ऊपर वाइट वाइट कलर के धब्बे या और जर्द कलर के धब्बे आ जाते हैं, तो वो भी फफूंद की एक किस्म है। तो फफूंद वो अलग होते हैं, गंदी जगह पर वो पैदा होते हैं, तो इसलिए उनको अलग आलम में रखा गया था, आलम फफूंद। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट आपको याद रखना है। अब आगे सवाल देखते हैं हम लोग, बे वायरस की खसूसियात लिखिए। वायरस की क्या क्या खसूसियात है वो खसूसियात हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, वायरस बहुत ही मुहीन यानी बैक्टीरिया की बनिस्बत 10 से 100 गुना छोटा होता है, मतलब वायरस की जिसामत बैक्टीरिया से छोटी होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, वायरस को सिर्फ इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन के जरिए देखा जा सकता है, मतलब आमतौर पर हमारे जो लैब में खुर्दबीन होती है उससे हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसके लिए अलग खुर्दबीन आती है जिसे इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन कहते हैं। उसका इस्तेमाल बैक्टीरिया से भी छोटे जो जानदार हैं उनको देखने के लिए किया जाता है, तो वायरस को हम इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन के जरिए देख सकते हैं। तीसरा, आज़ाद जर्रात की शक्ल में पाए जाते हैं, मतलब वो जहाँ पर जिस खलिये में या किस जानदार में उनको मुनासिब माहौल मिलेगा उस माहौल में वो
पाए जाते हैं। फिर चौथा पॉइंट, वायरस नबातात और हैवानात के जिंदा खलियों में ही रह सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब अगर नबातात या हैवानात, नबातात मतलब पेड़ पौधे, हैवानात मतलब इंसान या दूसरे जो जानदार हैं, तो वो जानदारों के जिंदा अगर वो हैं तो उन खलियों में वो पाया जाता है, अगर वो मुर्दा हो जाते हैं तो उनके अंदर वायरस भी मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट, वायरस की वजह से नबातात और हैवानात को मुख्तलिफ अमराज लाहक होते हैं, मतलब जो भी नबातात और हैवानात हैं उसमें हम लोग देख सकते हैं कि वायरस की वजह से अलग अलग मर्ज होते हैं, तो ये वायरस की खसूसियात है। तीसरा सवाल, जीन फफूंद में तजिया किस तरह होता है, मतलब फफूंद अपनी गिजा किस तरह तैयार करता है, तो देखते हैं हम लोग जवाब। फफूंद गंदखोर होते हैं और सड़े गले मादों, नबातात और हैवानात के मुर्दा अजसाम कार्बनी मादों पर पाए जाते हैं, कार्बनी मादों से अपनी गिजा हासिल करते हैं, मतलब जो भी गंदी चीज़ें होती हैं तो उन चीज़ों पर फफूंद पाए जाते हैं और वहीं से वो अपनी गिजा हासिल करते हैं। उसके बाद दाल, आलम मोनेरा में कौन से जानदार शामिल हैं, आलम मोनेरा में आप लोगों ने देखा था कि बैक्टीरिया और नीली सब्जिकाई, ये सारे के सारे जानदार आलम मोनेरा में शामिल हैं, तो ये इसका जवाब है। आलम मोनेरा में तमाम किस्म के बैक्टीरिया और नीली सब्जिकाई शामिल है, इस आलम में शामिल तमाम जानदार यक्खल भी होते हैं। तो ये पांच सवाल नंबर पाँच था, उस पांच के पांच सवाल, पांच चार जेली सवालात थे, उन सवालात के जवाब यहाँ पर हमने देखा। अब सवाल नंबर छः देखते हैं। सवाल नंबर छः है, पहचानिए मैं कौन हूँ। यहाँ पर किसी जानदार के बारे में कुछ खसूसियात लिखकर दी रहेगी, उस खसूसियात की बिना पर आपको पहचानना है कि वो कौन सा जानदार है। तो सवाल नंबर छः का अली, मेरे जिस्म में मरकज़ा खलवी दीवार और खलवी हैवान से नहीं पाए जाते, नहीं होते, तो वो आलम मुनेरा है जिसमें खलवी हैवान से पर खलवी दीवार नहीं होती। फिर उसके बाद बे, मुझ में मरकज़ा खलवी दीवार पाए जाते हैं, तो वो आलम प्रोटिस्टा है जो वाज़े मरकज़ा पर्दार है। उसके बाद जीम, मैं सड़ी गली कार्बनी अशिया पर जिंदा रहता हूँ, तो जो सड़ी गली चीज़ों पर जिंदा रहता है उसे हम लोग फफूंद कहते हैं। उसके बाद दाल, मेरी तौलीद उमूमन तकसीम दुई के तरीके से होती है, तो उसकी शक्ल भी मैंने आपको दिखाया था जब मैंने लेक्चर में पढ़ाया था कि तकसीम दुई की तरीके से किस तरह से तकसीम होती है, और वो किसकी तकसीम होती है, बैक्टीरिया की तकसीम होती है, तो इसका जवाब बैक्टीरिया आएगा। अब उसके बाद ये सवाल यहाँ पर रिपीट हुआ है, हम लोगों ने ये किया है कि मेरी तौलीद उमूमन तकसीम दुई के तरीके से होती है। अब आगे हम लोग देखेंगे है, मैं अपने जैसे नमूने पैदा करता हूँ, मतलब वो जिस तरीके से रहता है उस तरीके से दूसरे जानदार भी वो पैदा करता है, तो वो वायरस है। उसके बाद मेरा जिस्म गैर उजवी है और मैं सब्ज रंग का हूँ, तो नीली सब्ज काई हम लोगों ने पढ़ा था कि वो सब्ज रंग का होता है, तो इसका जवाब काई आएगा। तो सवाल नंबर छः थे जिसमें आपको पहचानना था उनकी खसूसियात के एतबार से, अब हम लोग सवाल नंबर सात देखते हैं। तो सवाल नंबर सात है, बैक्टीरिया की मुख्तलिफ किस्में, कि किस किस शेप के बैक्टीरिया होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैक्टीरिया की अलग अलग शक्लें दिया है, कुर्रे नुमा, बैजवी, सलाख नुमा, वाव नुमा, तेजदार नुमा, तो इनके नाम यहाँ पर आपको शक्लें बनाना है और उनके नाम आपको लिखना है। अब आगे बे है पैरामेशियम, तो पैरामेशियम की शक्ल हम लोग देखेंगे और उसके नाम लिखेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं यह पैरामेशियम की शक्ल है और यहाँ पर मैंने चार नाम दिए हैं, ये पैरामेशियम का मरकज़ा है, ये हदबे हैं, ये गिजाई खालिये हैं और ये गिजाई नली है। उसके बाद नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस, वायरस का दूसरा नाम बैक्टीरियोफेज है, तो ये वायरस की शक्ल है, ये शक्ल आपको बनाना है और उसके जो नाम है वो नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर शक्ल में आपको तीन शक्लें बनानी है, सवाल नंबर सात है, ये शक्ल बनाना है यहाँ पर आपको,
उसके बाद सवाल नंबर आठ, जिसामत के लिहाज से दिए गए नाम सऊदी तरतीब में लिखिए या फिर चढ़ती तरतीब में लिखिए। यहाँ पर चार नाम आपको दिए गए हैं। जिस जानदार की सबसे छोटी जिसामत है उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उस तरीके से हम लोग लिखते जाएंगे। तो सबसे छोटा जिसामत के हिसाब से वायरस होता है, वायरस लिखेंगे। वायरस के बाद बैक्टीरिया होता है, वो हम लोग लिखेंगे। बैक्टीरिया के बाद फफूंद होता है जिसामत में, बैक्टीरिया से बड़ा तो फफूंद लिखेंगे, फफूंद से बड़ा काई। तो इस तरीके से आपको जवाबात लिखना है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हुआ।